वेलकम एवरीबडी टू माई चैनल पीआर एडवाइजर्स। यस, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आज मैं बात करूँगा अपनी खुद की पीआर जर्नी की, दैट हाउ आई गॉट कैनेडियन पीआर। सो सबसे पहले कि मेरी पीआर थ्रू पीएनपी हुई है, और जितने भी पीएनपी एस्पिरेंट्स हैं, जो पीएनपी जिनका स्कोर कम है और वो पीएनपी से पीआर लेना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई विल टॉक अबाउट डिटेल टाइमलाइन, कितना टाइम लगा पीएनपी को प्रोसेस होने में, आफ्टर दैट पीआर को कितना टाइम लगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स रहेंगे फॉर ओंटारियो पीएनपी कैंडिडेट्स कि कैसे अपना पीआर प्रोसेस फास्ट कर सकते हैं और कितना कितना टाइम हर फेज़ में उनको लगेगा। तो मैंने सारी डिटेल जो टाइमलाइन है वो फेजेस में डिवाइड कर दी है, और आई विल एलेबोरेट ईच एंड एवरी फेजेस। तो सबसे पहले जो फेज़ आता है वो आता है आइल्स एंड ईसीए, तो उसके बारे में बात करेंगे। जो ईसीए था, एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट जो करनी पड़ती है, वो मैंने वेस्ट चूज़ किया था। उसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं था, बस मेरे को वेस्ट की ही नॉलेज थी उस टाइम पे, और मैंने वेस्ट चूज़ किया था। और उस टाइम एक और बात थी, आपको अपनी ट्रांसक्रिप्ट डायरेक्टली अपनी यूनिवर्सिटी से भेजनी नहीं पड़ती थी। तो मैंने जो दोनों ट्रांसक्रिप्ट थी मेरी, बी टेक की और एम टेक की, वो दोनों खुद भेजी थी उनको कुरियर करके। तो डैट वॉज एक्सेप्टेड एट दैट टाइम, नॉट दिस टाइम। सो मेरे को कैनेडियन मास्टर डिग्री मिल गई थी अराउंड 1.5 मंथ्स में, असेसमेंट हो गई थी। उसके बाद बात करूँ आइल्स की, मैंने पेपर बेस्ड मल्टीपल टाइम्स दिया है, बोथ पीसी एंड आईडीपी। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड भी दिया है 2 बार, आईडीपी का ओनली। सेल्पी भी ट्राई किया है, बट फाइनली जो मैंने क्लियर किया था वो था पेपर बेस्ड बीसी का था, और मेरे सीएलबी 9 आया था। तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है ऑन टिप्स ऑन आइल्स, तो वो आप देख सकते हैं, हाउ टू गेट CLB 9 इन आइल्स। उसके बाद बात करें कौन सा फेज़ आता है, उसके बाद फेज़ आता है यू नीड टू क्रिएट GC की प्रोफाइल। आपको एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, उसके लिए आपको गूगल से बहुत कुछ मिल जाएगा, हाउ टू क्रिएट और GC की वीडियो, GC की प्रोफाइल। तो सबसे पहले आपको परमानेंट रेजिडेंसी के लिए एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ता है। उसमें कौन कौन सी डिटेल्स रहती है वो मैंने एक वीडियो बना रखी है, लिंक नीचे शेयर कर रखा है, आप इस लिंक पे जाके देख सकते हैं आपको कौन कौन सी डिटेल की ज़रूरत पड़ेगी। आफ्टर सक्सेसफुली कम्प्लीशन ऑफ योर प्रोफाइल, आपको एक सीरियस स्कोर मिल जाएगा। माइन वॉज 444 बिकॉज आई हैड 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन NOC 2174 है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की, बेसिकली कहूँ इट इज़ एप्लीकेशन डेवलपमेंट एनालिस्ट, और मास्टर डिग्री के साथ मेरा स्कोर था 444। उसके बाद फेज़ आता है स्पेशल पीएनपी के लिए, ये फेज़ आएगा, आपको नॉमिनेशन ऑफ इंटरेस्ट आएगा। अगर मैं ओंटारियो की बात करूं, जैसे मेरे को नॉमिनेशन ऑफ इंटरेस्ट, नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट आया था ओंटारियो से अंडर ह्यूमन कैपिटल प्रायोरिटी स्कीम में, उन्होंने एक टेक्निकल ड्रॉ निकाला था इन डिमांड ऑक्यूपेशन में, 2174 उस टाइम पे इन डिमांड थी, तो उन्होंने जुलाई आई थिंक 2019 में निकाला था, और उसमें मेरे को मेरे एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल में मैसेज आया था एक नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट का। तो मेरे को 45 डेज मिले थे टू सबमिट ONP एप्लीकेशन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, NOI आने के बाद आपको किसी तरह का कोई एक्सेप्टेंस नहीं भेजना पड़ता ONP को, आपको डायरेक्टली ONP की वेबसाइट पे जाके अपनी प्रोफाइल सबमिट करनी होती है। इसके बाद बात करूँ फेज़ 4 की, तो सारा का सारा ध्यान आपको ONP की तरफ लगाना पड़ेगा, एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल को थोड़े टाइम के लिए भूल जाएं। उसको क्रिएट, आपको सबसे पहले क्रिएट करने पड़ेंगी ONP में अपनी प्रोफाइल। वो कैसे क्रिएट करते हैं, एक टोटली सेपरेट वीडियो बना रखा है, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, कि व्हाट टू डू और हाउ टू प्रोसीड आफ्टर गेटिंग NOI फ्रॉम ओंटारियो। तो इसकी एप्लीकेशन फ़ीस थी 1500, और मेरे को 45 डेज़ के अंदर अंदर सबमिट करना था, और मैंने अराउंड 1 वीक और 10 डेज में सबमिट कर दिया था। वो होता है नॉमिनेशन का, अराउंड आफ्टर 2 मंथ्स आई गॉट नॉमिनेशन। और ONP पे आप चेक कर सकते हो, आपका स्टेटस चेंज होता रहता है ONP पे, लाइक सबसे पहले रहता है सबमिटेड, देन असेसमेंट चला जाता है, देन आ जाता है डिसीजन इन प्रोग्रेस, और फाइनली वहाँ पे अप्रूव्ड लिखा आ जाता है। बट एक मेरा और टिप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप, कि ONP पे अप्रूव्ड स्टेटस से पहले आपको एक्सप्रेस एंट्री पे अप्रूवल का स्टेटस आ जाएगा। आप उसके बाद आप एक्सप्रेस एंट्री पे ज़्यादा चेक कीजिएगा, एक्सप्रेस एंट्री के बाद 2-3 दिन बाद ही ONP पे अपडेट होगा।
तो आफ्टर आई गॉट नॉमिनेशन, उसके बाद 30 डेज आपको मिलेंगे कि यू कैन एक्सेप्ट और यू कैन वेट फॉर 30 डेज और यू कैन रिजेक्ट एज वेल, बट वो अलग बात है, कोई रिजेक्ट नहीं करेगा, बट यू हैव टू एक्सेप्ट विद इन 30 डेज, ठीक है? मैंने उसी टाइम एक्सेप्ट कर ली थी। उसके बाद बात करेंगे कौन सा फेज़ आएगा। उसके बाद फेज़ आएगा इनविटेशन टू अप्लाई, जैसे हम ITA बोलते हैं। तो जैसे 600 पॉइंट्स मेरे को मिल गया नॉमिनेशन, जैसे ही मैंने एक्सेप्ट किया, तो मेरा स्कोर चला गया 1044, और डेफिनेटली श्योर श्योर वेरी नेक्स्ट रॉ में मेरे को ITA मिल जाता। तो जैसे ही मेरे को वेरी नेक्स्ट रॉ में, 3-4 दिन बाद ड्रॉ निकल गया था, मेरे को ITA आ गई। तो आपको ITAs एक्सेप्ट करना पड़ता है। जैसे ही मैंने एक्सेप्ट उसी टाइम किया, तो मेरे को 60 डेज मिल गए टू सबमिट एंड फिल ऑल दी डिटेल्स फॉर एक्सप्रेस एंट्री। तो आप मेरा डिफरेंट वीडियो चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स एंड डिटेल्स यू नीड टू फिल आफ्टर गेटिंग ITA। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे जो आपको अपलोड करने पड़ेंगे, आपको 60 डेज मिलेंगे आपको सारे सारा का सारा करने में। वो उसमें कितने पैसे लगते हैं वो सारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। अराउंड 1100 समथिंग लगा था डॉलर्स उस टाइम, अभी वो वैसे न्यूज़ आई है वो बढ़ के 1300 समथिंग डॉलर्स हो गए हैं। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो फेज़ आता है वो आता है एक्नॉलेजमेंट ऑफ रसीद। ये बेसिकली जब आप सबमिट करते हैं उसको, मैंने 4 दिन बाद आई थिंक सबमिट कर दिया था, क्योंकि आई वॉज़ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड विद द डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि मैंने ONP पे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे। तो मैंने जैसे ही 4 दिन बाद सबमिट किया, तो सबमिट करने के बाद विद इन 15 मिनट्स ही आपकी प्रोफाइल पे मैसेज आ जाएगा। वो बेसिकली एक AOR होगा, एक्नॉलेजमेंट होगी कि उन्होंने आपकी एप्लीकेशन रिसीव कर ली है। उसके बाद फेज़ आता है मेडिकल पास्ट और बायोमेट्रिक्स इंस्ट्रक्शन लेटर। तो और मेरे को अराउंड 3 वीक्स के बाद मैसेज आया था मेरी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल पे कि योर मेडिकल वॉज पास्ड। तो उसके बाद नीचे ही उसी दिन ही एक बायोमेट्रिक्स इंस्ट्रक्शन लेटर रहता है, जो आपको VFS ग्लोबल कनाडा का जो भी आपके नज़दीक होगा वहाँ पे जाके फिंगरप्रिंट्स देने होंगे। तो मैं एक दिन बाद ही चला गया था और वहाँ पे फिंगरप्रिंट्स हुए, तो उसी दिन ही मेरे फिंगरप्रिंट्स मेरे एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल पे अपडेट हो गए थे। तो उसके बाद जो फेज़ आता है वो डायरेक्टली PR होता है। वैसे बेसिकली फेज़ उसमें उसके बाद ADR का, आज अगर किसी को एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट है तो वो आ जाएगा, बट मेरे केस में कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट नहीं था। तो डायरेक्टली जो मेरा फेज़ आया था वो PPR का था, उसे कहते हैं पासपोर्ट रिक्वेस्ट। वो आप कह सकते हैं दिस वॉज़ द मेन वेटिंग टाइम, और अराउंड 5 मंथ्स के बाद मेरे को पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ गई थी पासपोर्ट स्टैंपिंग के लिए। उसके बाद आपको VFS जाना होगा और अपना पासपोर्ट सबमिट कर देना होगा। मैंने GCMS नोट्स भी ऑर्डर कर रखे थे, वो डिटेल्स नोट्स होते हैं कि बैक एंड पे वीज़ा ऑफिसर क्या क्या चेक कर रहा है और सब कुछ वैलिड है नहीं है। वो मेरे को अराउंड 15 डेज पहले मिल गए थे मेरी PPR से। और अगर वो उसके बारे में आप जानना चाहते हो तो यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो कहाँ से किए, कहाँ से मैंने अप्लाई किए थे। उसके बाद जो फाइनल फेज़ आता है वो COPR होता है, कन्फर्मेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंट। मेरे केस में अराउंड 10 डेज़ के बाद मेरे को COPR मिल गई थी अपने पासपोर्ट स्टैंपिंग के साथ साथ। तो ये था सारा वीडियो अबाउट माई होल जर्नी। सो PNP कैंडिडेट्स तो ओंटारियो के लिए बेसिकली है, उनके लिए बहुत हेल्प रहेगा। और अगर आपको किसी और डिटेल के बारे में जानना है, यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो और यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।